थोड़ा सा काम करना पड़ जाए बस। नखरे तो ऐसे दिखाती है जैसे कोई पहाड़ तोड़ दिया। बस एक बार मेरी जॉब अरेंज हो जाए फिर बस मैं एक फ्लैट में। अब क्या तोड़ दिया? ओह गॉड, तुमने ये भी तोड़ दिया? तो क्या हुआ, मैं लंडे से ना और ला दूंगी। लंडे से? तुम्हें ये लंडे का लगता है? हाँ तो और, 20-20 रुपए में ऐसी कई चीजें वहीं से तो मिलती हैं। लंडे का नहीं है स्टुपिड, ये थाईलैंड के 400 साल पुराने खंडर से निकला हुआ एंटीक पीस था। है जी? हाँ जी, और ये मेरे अंकल के दादा और उनके भी दादा और फिर उनके भी दादा ने उन्हें गिफ्ट किया था। जी जी जी, वो भी जहन्नुम से डायरेक्ट इस दुनिया में आके, है ना मेंडी? अगर अब तुमने एक भी लफ्ज मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ गलत कहा ना तो मैं तुम्हें। बस बस, मैंने कौन सा जान के तोड़ दिया, वो तो मैं डस्टिंग कर रही थी तो गलती से गिर गया और टूट गया। तो देख के काम किया करो ना, खाते और सोते वक्त तो तुम्हारी आंखें बहुत खुली रहती हैं। जरा सा काम क्या करना पड़ गया तुम्हें तो मौत ही पड़ जाती है। सैंडी तमीज से, अब मैं तुम्हारी मासी नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। बस एक बार मेरे हालात ठीक हो जाए फिर मैं खुद चले जाऊंगी यहाँ। हालात? वो तो मुझे तुम्हारे कभी भी ठीक होते हुए नजर नहीं आते वैसे। सैंडी। ओ हेलो, किधर? सफाई करो, मैं देखती हूँ। वाकई तो एंटीक नहीं है? झूठी कहेगी। जी कौन? फैसलाबाद मुल्तान डेरा गाजी खान उकाड़ा, इसे नाम तो मशहूर है। क्यों मैं मुंडिया है के नहीं? जी अम्मी जी। बट सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तेनु जरूरत भी नहीं, की होया? तेरा अंकल तो पहचानदा है ना, पीछे हट, मैं उन्हें मिलनी है जाके। अंकल? अंकल तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। हां है, मुल्क ही बाहर है ना, दुनिया तो ते नहीं। हमें ये पुत्र सामान अंदर लेके आ, चल पीछे हट, चल नहीं। हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, चले अंदर। जी अरे सुने तो सही। बस कर दियो, हंस हंस के मैं थक गई हूँ, मेरी पसलियां चढ़ गई हैं रब्बा, ओह माय गॉड। अच्छा तो फिर आपने बताया नहीं? हाँ ले दस, मैं तो भूल ही गई सा कि इस घर च मैं ब्याह करन आई हूँ। अंकल का मेहंदी? तो और अंकल की तो शादी नहीं हुई। मैं अपने मुंडे का ब्याह करन आई हूँ। एक बात कहूँ आपसे, यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। हाय ए कुड़ियां दा मैं की करा, इन्हां नु बस फेसबुक ते टिकटॉक समझ आंदा है, अकल दा ते घाटा है घाटा। कम
कम ऑन अम्मी जी, अगर उन्हें नहीं समझ आ रही तो आप समझा देना। हाँ चंगा चंगा, ओ तेरा प्यो है, है की ना है उदा? कमाल है, आप इनके रिश्तेदार हैं और आपको इनके डैड का नाम ही नहीं पता। ऐसी बात नहीं है, असल में कुछ अरसे से अम्मी की याददाश्त का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ चुप कर, चलो भला मैंने याद आने लगा सी, विच बोल के बुला देता है। जी वकार अहमद नाम है उनका। हाँ वकार अहमद, तेरा प्यो तो तेरा अंकल ना कट्ठे रहंदे सी इस कार च। तेरे जम्मों तो बाद तेरा प्यो कहन लगा कि इस कार च तू अपना मुंडा व्याहना है, ते मैं अपना मुंडा व्याहना आई है इस कार च, आहो। लेकिन उन्होंने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। तेनू किवें पता होएगा, तू तो तिना साल दी सै। तेरा प्यो ते तेरा अंकल दोवां च झगड़ा हो गया, साडा मिलना जुलना खत्म, तो ऐसी है शहर छोड़ के तुझे शहर चले गए सा। और फिर अब्बा जी की डेथ के बाद अम्मी ने चाहा कि अंकल से आके माफी मांग ले, लेकिन घरेलू मसरूफियात के बाइस मौका नहीं मिला। लेकिन फोन पे तो बात हो सकती थी ना। किथो साडे कोल तो नंबर नहीं सी, फिर मैं सोचिया जे माफी मंगनी है तो सामने जाके माफी मांग लेने कि पाजी सानू माफ कर दियो, असी टिकट कटाई ते इथे पहुंच गए, कैसा है? अच्छा है। हाय मैं मर गई, चक्कर आ गए। अब क्या हुआ आंटी? चक्कर आ गए, लगता है अम्मी जी की शुगर लो हो गई है, सुबह से कुछ खाया जो नहीं है। अम्मी जी की शुगर लो हो गई है, मैंडी जल्दी किचन में जाओ, अम्मी जी के लिए कुछ खाने को लाओ। अम्मी जी? मेरा मतलब है आंटी के लिए कुछ लाओ। हाँ मैं जाती हूँ। You're so intelligent. वेत मेरा दिल भर जानी बुलिया ते प्यार कहानी, वेत मेरा दिल भर जानी बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। सैंडी लो भाई, बिस्तर भी ठीक कर दिया और एसी भी चला दिया है। गुड, बस अब सुबह टाइम पे उठ जाना ताकि नाश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाश्ता तो वो बाजार से करेंगे। क्यों, तुम नहीं बना सकती? उनके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ना खुद कहा है हलवा पूरी बोंग पाए हाय हाय लस्सी। अब वैसे तुम्हें पता तो है ना ये सब कितने का आएगा? जितने का भी आए यार, मेरी होने वाली सास है, उनकी खिदमत तो करनी पड़ेगी ना। ओ क्या मतलब? मेरा मतलब है तुमने डिसाइड कर लिया? इसमें सोचने वाली क्या बात है यार, डैड की ख्वाहिश में इनकार तो नहीं कर सकती ना। लेकिन हुमायूं शादी तुमसे ही करेगा, इसका फैसला किसने किया? हा? इसमें फैसला करने वाली कौन सी बात है, वो आंटी को इनकार कर सकता है? और अगर इसने कर दिया तो? वो नहीं कर सकता यार, क्योंकि क्या मतलब? अब क्योंकि वो तुम्हें नहीं मुझे पसंद करता है। क्या क्या कहा तुमने? अब तुमने देखा नहीं खाना खाते हुए वो मेरी तरफ कैसे देख रहा था? ओ हेलो,
अजूबे को ना लोग हैरानी से ही देखते हैं, समझी? अजूबा नहीं, वो तो मुझे मोहब्बत की देवी समझता है। ओ ओवर एक्टिंग, हौसला कर लो, वो मेरा है। और अगर तुमने कोई भी छिछोरापन करने की कोशिश भी की ना, तो चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तुम कुछ भी कर लो, मोहब्बत तो मुझसे ही करता है। नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करता है। मुझसे करता है? वो मेरा है। मैंने कहा ना मेरा है। वो मेरा है, मेरा है। अगर तुमने मायो का नाम लिया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ओए रुक जा, रुक जा, रुक जा। ओए रब दा वास्ता, ये की हो गया तानू? ओए मेरा जी करदा तड़ियां दोवां दी टिंडा करा दियां, पर नहीं, टिंडा जी तू तुसी बहुत बुरा लगना है। जी करदा तड़े चाटा फुट के कंध च दे मारा। ओ तानू कोई शर्म आया है? आंटी, ये मेरी अख पे डाका डालना चाहती है। झूठ, ये मेरी खुशियों से जेलिस हो रही है, मैं नहीं। और चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और तुसी दोवां ने मुंह च एक लफ्ज कढ़िया ना, ते मैं तुहाडे दोवां दे सिर पाड़ देने ने। हां ठीक है आंटी, फिर आप ही फैसला करें और पूछें इनसे कि ये इसको पसंद करते हैं या फिर मुझे। ठीक है हुमायूं, जो भी डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा। अच्छा कुड़े जावे, किडिया सोनिया लगन नहीं है ना दोवें। ए तू बोलदा क्यों नहीं, असीं व्याह ते करने ने, दस इहदे नाल करना है या इहदे नाल करना है? देखो गल, मैं नहीं जानता कि हमारे बड़ों ने हमारे बारे में क्या फैसला किया है, लेकिन चूंकि अब फैसला मुझे करना है, तो मेरा वोट है। मैं शादी करूंगा सिर्फ सैंडी से। सदके जाए, आजो नेड़ी नेड़ी, आजो आजो मां सदके, नी मेरियां पूंदियां करम वाली उदास, नी मां टकरे जावे। मैंडी, मैंडी मेरी प्यारी बहन, मैंडी देखो इसमें मेरा क्या कसूर है यार, प्लीज मत रो। देखो अगर हुमायूं ने मुझे सिलेक्ट कर लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम मेरी खुशी में खुश नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ मेरी प्यारी बहन। ओ सैंडी, ओ मैंडी। आवाज कैसी आ रही है बाहर से? सैंडी को उठाऊं क्या? नहीं, मैं जाके देखती हूं। कौन हो सकता है, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। आंटी को देखती हूं। आंटी भी सो रही है, तो फिर आवाज किसकी थी? अब बाहर देखती हूँ। अरे हुमायूं तो नहीं उठावा गई, देखती हूँ।
हुमायूं भी सो रहा है, आवाज किसकी थी? अल्लाह खैर करे। हाँ बाहर देखती हूँ। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कैसी थी? लगता है मेरा वहम था, एमी अपनी नींद खराब कर दी। पीछे करो इसे। ये गरम ईट है, इससे चोट पर स्वेलिंग नहीं होगी। ओहो तेनू स्वेलिंग दी पई है, मेरे बच्चे दी रूह निकल वाली हो गई है। अम्मी जी ओहो केड़ी निकल चल गई है? यकीन जाने अगर उस वक्त मेरा पाँव ना मुड़ता ना तो चोर मेरे हाथों से बच के ना जाता। चल शुक्र कर पुत्र तेनू कुछ नहीं होया। आंटी ठीक कह रही है, वो क्या कहते हैं जान बची सो लाखों पाए। हमने तो गवाए जी। मेरा मतलब है कि वो चोर क्या क्या ले गया होगा। ओ पुत्र तेरे सिर दा सदका निकल गया, चल छड़ आराम कर। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हॉस्पिटल ले चले। शुक्र है ये बच गया, वरना मेरे पास तो कुछ भी ना रहता। मगर मेरे उनका तो बहुत लॉस हो गया ना। उनके उनके कौन? वही जो मेरे सब कुछ है। अंकल स्टुपिड हुमायूं, पता नहीं चोर क्या क्या लेके चला गया हो गया। और देखो उन दोनों ने जरा भी जिक्र नहीं किया। तो सीखो ना उनसे। क्या सबर करना और क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे अंदर सबर की कमी है? लो भाई ऐसी वैसी, तुम्हारी तो प्लेट से कोई आधा बिस्किट भी उठा लेना तो तुम मरने वाली हो जाती हो। मैंडी तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो, मैं इतनी टेंशन में हूँ तुम बकवास की जा रही हो। हाँ तो टेंशन को दूर करो, मैंने तो अपना सारा सामान चेक कर लिया, तुम भी एक बार नजर मार लो। मेरा सामान तो सेफ है। अरे फिर भी चेक कर लो, क्योंकि चोर के हाथों से ना कुछ भी नहीं बचता। मेरा सामान घर में नहीं लॉकर में है। तू क्या हुआ, चोरी तो बैंक में भी हो सकती है। मैंडी तुम अपनी मनहूस ज़बान बंद नहीं कर सकती, मैं इतनी यहाँ पे टेंशन में हूँ तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। अच्छा अच्छा अब लेकिन फिर भी ना एक बार तुम अपना सारा सामान चेक कर लो, ताकि फिर हम जाके पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा सके। हाँ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए, आंटी को बताते हैं जाकर। सहना पाए जुदा जुदा भी रहना पाए, लड़ने को भी रेडी हो सैंडी।